बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त तुर्की के अंदर बड़ी गहमा गहमी है और वहाँ पर अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कूलों के जो बच्चे हैं, अब उनको खिलाफत उस्मानिया का सबक पढ़ाने की तैयारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक राइटर अमेरिकन जिसने तकरीबन आज से 11 साल पहले एक किताब लिखी थी, द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इसमें वो बताता है कि दुनिया अगले 100 साल में कहाँ तक जाएगी, दुनिया की पॉलिसी क्या होगी। उसमें एक वो चीज़ बताता है कि 2050 तक तुर्की इतना आगे जा चुका होगा, इतना ज़्यादा आगे जा चुका होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ऑटोमन अम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया बहाल हो चुकी होगी। शाम, इराक, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, उसके अलावा बहरीन यानी ओमान से लेकर जितने भी ममालिक हैं, वो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बन चुके होंगे। ग्रीस यानी यूनान भी हिस्सा बन चुका होगा। उसके अलावा साउथ रशिया, क्रीमिया, यूक्रेन और उसके अलावा कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहुत सारे इलाके तुर्की का हिस्सा बन चुके होंगे और ये ग्रेटर इसराइल में आएगा। इसमें उसने एक बात कही थी कि इसमें इसराइल शामिल नहीं होगा, ना इसमें ईरान शामिल होगा। अब आप ये देखें कि सूरत हाल है कि आज से 10-11 साल पहले तुर्की ने इस पर फोकस नहीं किया। अब तुर्की ने हर जगह सेमिनार्स में, मीडिया में, हर जगह पर इस बुक का रेफरेंस देना शुरू कर दिया और अपनी नस्लों को बताना शुरू कर दिया कि देखो, दुनिया तुम्हारे बारे में कह रही है कि तुम 2050 तक खिलाफत उस्मानिया बहाल करके इतनी आगे चले जाओगे, इतनी आगे जा चुके होगे कि दोबारा तुम्हारे जो अबाओ अजदाद का लैंड है वो तुम्हें मिल जाएगा। अब आप हैरान होंगे इस बात पर कि अरब वर्ल्ड के अंदर इतना गुस्सा पाया जाता है कि वहाँ पर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ कि वो जालिम थे, ये था, वो था। उधर अर्दुगान पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर अपने इर्तुगरुल गाजी हो या कुछ हो ड्रामे दिखा रहे हैं, अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि तुमने लड़कर हासिल करनी है चीज़ें। अब आप ये देखें कि इस सूरत हाल के अंदर कुछ साल पहले तक इन्होंने कभी इस बुक का रेफरेंस नहीं दिया, अब वो नक्शे बता रहे हैं अपनी नस्लों को। देखिए, तुर्की ने जो खिलाफत उस्मानिया का नक्शा, उसमें इसराइल शामिल है, ये जहन में रखिएगा। अरब वर्ल्ड को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ इसकी होती है कि जाहिर सी बात है जब खिलाफत उस्मानिया बहाल होगी या उस लेवल पर दोबारा पहुँचेगी जब अरूज होगा, तो उसमें सऊदी अरब तो दोबारा हिस्सा बन जाएगा तुर्की का, तुर्की उसको चलाएगा। अब तैयब उर्दुगान की खासियत यह है कि वो ऐसा ऐसा चले। अब पूरे तुर्की के अंदर एक कैंपेन शुरू कर दी है, इस शख्स को बुलाया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पजीराई देते हैं। इवन के इस शख्स ने अमेरिका की तबाही और तमाम सूरत हाल के अंदर बताया कि मुस्तकबिल में क्या होगा, रूस के हालात किस तरह ख़राब होंगे, चाइना को प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, दुनिया के अंदर ताकत कौन सी बनकर उभरेगी, ये तमाम चीज़ें उसने की। बहुत सारी चीज़ों पर उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन तुर्की के हवाले से वो अपनी बात पर स्टैंड है और तुर्की में अब इनको पजीराई इतनी ज़्यादा मिल रही है कि तुर्की ने इसको ऑफिशियल पॉलिसी के तहत अडॉप्ट कर लिया है और बताया है कि 2050 तक बहुत दूर टाइम है, हमें उससे पहले पहले, क्योंकि अरब वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगले 10 साल तक ये देखना है कि कौन सा अरब वर्ल्ड यानी कौन सा अरब मुल्क सर्वाइव कर सकता है। जो 2035 तक बड़े बड़े जितने भी पंडित हैं या जितने भी दुनिया के अंदर ऑब्जर्वर्स हैं, जो दुनिया में फोरकास्ट देते हैं, बताते हैं, उनका ये कहना है कि अगले 5 से 10 साल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अरब ममालिक के लिए अपने आप को सर्वाइव करवाना। तेल तो ख़त्म हो गया, टूरिज्म का कोई पता नहीं है, तो लिहाजा बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे मुल्क गिरवी रख दिए जाएंगे। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरवी रख दिया जाएगा और इसी तरह बड़े बड़े ममालिक का सर्वाइव करना मुश्किल है। लिहाजा 2035 तक अब नज़र ये है, तुर्की ये चाहता है कि हम इन इलाकों को अपने साथ में ला लें, जबकि तुर्की के अलावा बाकी जो इसराइल है या अमेरिका है, दुनिया की ताकतें चाहती हैं कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक या इनके ज़रिए इनको खड़ा रखें। तुर्की चाहता है हम लड़कर ले लें। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी जंग मुतवक्के है। देखिए, एक चीज़ जहन में रखिएगा, तैयब उर्दुगान रहे ना रहे, उन्होंने अपनी कौम के अंदर ये चीज़ भर दी है कि तुम्हें खिलाफत उस्मानिया बहाल करनी करनी है। 2025 तक तैयब उर्दुगान ये चाहते हैं कि इतना रच बस जाए। ओपनली आज तक उन्होंने कभी खिलाफत उस्मानिया की बात नहीं की। उनके जितने दोस्त हैं
कॉलमनिस्ट है, राइटर्स हैं, उनके मीडिया है, वो सारे का सारा नाम ले लेकर खिलाफत उस्मानिया की बात करता है, लेकिन तैयब उर्दगान ने कभी खिलाफत उस्मानिया की बात नहीं की। आप ये देखिए, हालिया उन्होंने अपना जो मिशन है, खास तौर पर मून के हवाले से उन्होंने बात की, 2023-24-25 हम जब चांद के ऊपर कदम रखेंगे तो हम वहां पर जाकर 100 साला जमहूरियत, यानी 2023 तक का 100 साला जमहूरी दौर का एक सरमाया जो हमें मिला हुआ है, हम उसकी सेलिब्रेशन करेंगे। असल में उनकी बात को आपने समझना है तो इस तरह समझे कि वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम जब झंडा लहराएंगे तो हम दुनिया को ये बताएंगे कि हमने 100 साला जमहूरियत कर ली, अब खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, और ये आखिरी हद जरूर आएगी। अभी तो आप देख रहे हैं कि कशोगी मामले के ऊपर इसराइल अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है सऊदी अरब को। आगे चलकर तुर्की ने, देखिए सबसे बड़ी चीज, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एविडेंस सारे तुर्की के पास है। कशोगी तैयब उर्दगान का दोस्त था और इस सूरत हाल के अंदर ऑडियो तक उनके पास महफूज है, उनके पास ऐसे ऐसे एविडेंस है कि जब वो बात करेंगे तो तुर्की, तो छोड़िए जो भी मामला अभी वो देख रहे हैं वाटर कान तक है, वाटर को टेस्ट करें, अभी तो अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। जब तुर्की ब्लैकमेल करने पर आएगा या तुर्की सऊदी अरब को कहेगा तो उसे वही बात माननी पड़ेगी दुनिया के अंदर। तुर्की कहेगा, आप ये देखें, अभी तो अमेरिका इनको ब्लैकमेल करके कानून बदलवा रहा है, काफी सारी चीजें कर रहा है, जब बात आएगी तुर्की के ऊपर तो तुर्की ऐसे से एविडेंस शो कर देगा पूरी दुनिया के अंदर, और पहले इनको कॉपी भेजेगा कि मेरे पास ये इसके सबूत है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हम आखिरी हद तक जाएंगे। आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि इस वक्त सऊदी अरब बुरी तरह फंस चुका हुआ है। देखिए, एक तो पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर भी उसका जोर नहीं चलता। आप ये देखें कि एक वक्त ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को जो कहता था हम करते थे, हम सऊदी अरब के साथ जो मामला थे वो करते थे, अब वो इसराइल के पास चले गए। आने वाले वक्त के अंदर आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि हर हद पार हो जाएगी अरब वर्ल्ड के लिए, और तैयब उर्दगान का फोकस ये होगा कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया बहाल करो। अब आप देखेंगे कि सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका और तुर्की के दरमियान सैंडविच बन जाएगा। तुर्की ये चाहता है कि सऊदी अरब का हिजाज मुकद्दस हम पूरी तरह वापस लें, हम उसकी हिफाजत करें जाकर, जबकि इसराइल ये चाहता है कि पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड मेरे कब्जे में आ जाए और मैं इसको ग्रेटर इसराइल के अंदर कन्वर्ट कर दूं। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि हर सूरत अखंड भारत हो, यानी आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए, चाइना अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, एक पाकिस्तानी है जो सिर्फ अपने ही एरिया तक महदूद है, दुनिया पूरी तरह अपने अबाव अजदाद की जमीन हासिल करने के लिए तैयारी कर रही है। आप देखें कि चाइना ने इंडिया को बात यह कही है कि हमारे पास 1200 से 1500 साल पुराने नक्शे हैं, ये इलाके हमारे हुआ करते थे जिस पर तुम आज कब्जा करके बैठे हो, यानी वो हड़पना चाह रहे हैं। अब दुनिया के अंदर जो ताकत दिखाएगा वो ही दुनिया पर राज करेगा, और मुस्तकबिल के अंदर आपको तुर्की भरपूर बड़ी ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अरब वर्ल्ड के अंदर, खास तौर पर सऊदी अरब हो, यूएई हो, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जा रहा है कि तुर्की क्यों खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहता है। इसीलिए वो पाकिस्तान पर भी बरस रहे हैं कि आपके तुर्की के साथ ताल्लुकात क्यों है। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर अर्दुगान के हवाले से जो मोहब्बत पाई जाती है उससे अरब वर्ल्ड में बड़ा शदीद गुस्सा पाया जाता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।